हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथ इंडिया आइडल दोस्तों वाई 18 और डायरेक्टर अमित राय की फिल्म ओ एम जी टू यानी कि ओ माई गॉट टू स्टारिंग द बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी यामि गौतम ये फिल्म का सिक्स डे कलेक्शन इज सेवन क्रोज और सिक्स डे का ग्रैंड ऑलर इज अराउंड सेवेंटी नाइन टू एट्टी क्रोज क्वाइट गुड कंपेयर टू अक्षय कुमार अदर मूवीज़ जो इसके पहले जो आई थी उससे कंपेरिजन तो काफ़ी अच्छा है फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले पब्लिक अच्छा बोल रही है पिक्चर को हालाँकि मैंने फिल्म देखी नहीं आज मैं देखने जाने वाला था लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो फिर कैंसिल किया प्लान अभी देखता हूँ नाइट में देखता हूँ तो फिर कल परसों देख लूँगा डेफिनेटली देखूँगा और बाद में रिव्यू करूंगा सबसे लास्ट रिव्यू मेरा ही आएगा तो देखते अब ये फिल्म कल कितना करती है समझो एट्टी फाइव तक तो पहुँच जाएगी कल अगर चार पाँच अभी सात किया तो कल पाँच तो कर ही देगी पाँच साढ़े पाँच एटी तो फाइव करो तक पहुंच जाएगी और संडे तक तो सौ हो ही जाएगा तो हंड्रेड करोड़ तो पक्का है उसके बाद कितनी आगे जाती है ये देखना एकदम इंटरेस्टिंग होगा और ये हंड्रेड कोर भी है लेकिन द लैंडिंग कॉस्ट टू हाई जैसे कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वो भी हंड्रेड कोर डेढ़ सौ करोड़ भी कर देगी लेकिन उसका लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों हालांकि गदर एक प्रेम कथा का बहुत कम है तो जो अनिल शर्मा जी ने बोला था एक्टर्स की फ़ीस सब एक्टर्स को कहा था आप लोग फीस स्पेशली सनी देवल उनको कहा था कि आप अपनी फीस कम कर दो ज़्यादा हम, हम मतलब मतलब, मतलब रीजनल बजट में फिल्म बनाइए ताकि ज़्यादा अगर कुछ हो जाए तो ज़्यादा घाटा भी ना हो तो एक्चुअली वाइज जैसे नहीं हो तो दूसरों के लिए एक आई ओपनर हो गया एक्चुअली कि कम बजट में फिल्म बनाओ और धमाका मचाओ जैसे अभी हाल ही में एक मराठी फिल्म आई रोहनी हटंगड़ी जी उसमें चार औरत की कहानी है वो पाँच करोड़ में बनी है पिक्चर तो इज गाइक हंड्रेड करोड़ दैट इज कॉल्ड बिजनेस अब दो सौ करोड़ की पिक्चर बनाओ और सौ करोड़ कमाओ मेक नो सेंस तो अक्षय कुमार की ये फिल्म ओ माई गॉड टू एटी फाइव कर एटी फाइव करोड़ तो कल कर ही देगी वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है हंड्रेड करोड़ के बाद क्या होता है सेकेंड मंडे से क्या पिक्चर रंग लाती है वो देखने देखना मज़ेदार होगा तो कल से तो घूमर आ रही है उसके बाद ड्रीम गर्ल आ रही उसके बाद जवान आ रही है तो उसमें बीच में क्या होता है क्या धमाल होता है वो देखना मज़ेदार होगा तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है टिल देन की वॉचिंग में चले बॉवी द मैच गुड बाय एंड ब्लेस यू ऑल